लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप बताएं। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया मैम, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। आपको भी बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम, जीती रहिए। आप कैसे हैं? बस सब बेहतर है माशाल्लाह। आप बताइए। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। मुबारक आपको भी बहुत बहुत, आपके घर वालों को भी। मैम मेरा सवाल लंबा है, जरा ध्यान से सुनिएगा और जो आपको लिखना वो लिख लीजिएगा। लंबा है थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, हम कुछ भूल जाए फिर याद है तो हम बता देंगे, ठीक है मैम? ठीक है मैम। हमें ये कहना था कि इस पाकिस्तान में आपका नुस्खा एक साल से ले रहे थे, ठीक है, और 10 महीने से नमक जैतून सोडा और क्या बोलते हैं बीपी डिप्रेशन और कब्ज के लिए और अलसी और सौंफ धनिया के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो एक साल से जब नमक का नुस्खा ले रहे हैं तो उसके बीच में भी खुजली होने लगी। मैं किम साहब से बात की थी तो उन्होंने काली मिर्च बताया था साथ में लेने के लिए, 3 महीने वो भी लिया लेकिन उसमें कुछ राहत नहीं मिली। तो किम साहब ने कहा था कि ये सबसन के नुस्खे से ही मतलब ये खुजली हो जाती, अगर जहाँ भी बदन में खुजला जिस लगता नसों से जलन ऐसी होती है, मतलब वहां पे खुजलाने के बाद बदन में कहीं भी खुजला लो ये, और उसके लिए फिर सीरप वगैरह भी खाया है तो उससे भी कुछ आराम नहीं मिल रहा मैम। और दूसरी चीज ये नमक जैतून का सोडा एक में वही 10 महीने से खा रहे हैं, वो भी जो कब्ज वगैरह है वो अभी तक ना ठीक हुआ है और मतलब पेट में जैसे अजीब उथल पुथल, मुझे अब वो जैसे लगता है जो गैस पे हर दिमाग पे चल रही गैस। और ये जो साबिसान पर उसका एक साल हो गया, जनवरी में पूरा हो गया, उसके बाद ये आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि ठंडा गर्म का बैलेंस वो हो जाए, ये ठंडे गर्म का बैलेंस नहीं पड़ा। आंवले का मुरब्बा भी खाया है और क्या बोलते हैं एनर्जॉल, गर्मी इतनी बदन में रहती है कि फिर एनर्जॉल वगैरह भी लिया, एनर्जॉल है और क्या बोलते हैं ये मतलब थोड़ा ठंडी चीजें भी ली, तो उससे अब ये फरवरी में ये एनर्जॉल और ये क्या बोलते हैं आंवले का मुरब्बा वगैरह जो लिया है जकड़न क्यों हो रही थी, इसमें क्या अभी वो नुस्खा और लेना पड़ेगा या क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कौन सी जो हो रही है, बैलेंस नहीं बैठा ठंडे गर्म का कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके से पेट अजीब है और गैस जो दिमाग पे चढ़ रही तबियत अजीब रहती मैम। चलिए तो यानी दिक्कत कहाँ पे हो रही है जी? तहसीन जी गैस की दिक्कत है आपको, खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, बदन में गर्मी रहती है आपको, बदन में गर्मी भी जकड़न रहती है, हाँ समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ पे हो रही, कहाँ पे क्या कमी रह गई है कि क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या नुस्खा लेना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, और हकीम साहब से दुआ के लिए बहुत दरकार पे जरूर इंशाल्लाह। देखिए जब हमारे कोई सर्द मिजाज आदमी ठंडी चीज खाता है तो जिस्म में जकड़न मालूम हो सकती है, और नुस्खे तो आप बिल्कुल सही ले रहे हैं और तजर्बा भी हो गया, काफ़ी दिन तक भी ले रहे हैं, ये नहीं कि आपका नया शुरू हुआ है। ये नुस्खे तो आप लेते रहे और यूँ करें कि बेल का मुरब्बा ख़रीद लें, वो एक कतला पूरे दिन में खा लिया, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का मुरब्बा आता है वो खा लिया, या अरंडी का तेल भी रख लें, कभी आपने एक चम्मच अरंडी का तेल दूध में मिला के पी लिया, आंतों में कुछ कुछ नमी आ जाए, कुछ खुश्की हो गई है, क्या वजह है कि आपको इत्मीनान नहीं आ रहा, तो कभी कभी ये आप अरंडी का तेल एक चम्मच गर्म दूध में मिलाकर ज़रूर पी लिया करें।